एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक आई हुई एक नई रेसिपी के साथ। ढोकला तो आपने बहुत बार खाया होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप इस तरीके से ढोकला बनाएंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे ढोकला बनाने में। बहुत बार होता है कि सही से ढोकला नहीं बन पाता है, कितना भी कोशिश करो, लेकिन इस मेथड से 100% नहीं 200% आपको बेहतरीन ढोकला बनेगा। आज आप वीडियो में देखेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे एक कटोरी बेसन, हाफ कटोरी से थोड़ा सा कम दही, साथ ही हल्दी पाउडर, नमक और इनो, छौंका लगाने के लिए कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, चीनी और सरसों का दाना। ये देखिए दोस्तों, दही को सबसे पहले हम लोग पानी से घोलेंगे, क्योंकि हमारा दही बहुत गाढ़ा है। कांटे वाले चम्मच का यूज़ करेंगे दही को घोलने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से दही को घोलेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रही हूँ दोस्तों, आप उस तरीके से ही बनाएंगे। जल्दी जल्दी बनाएं, बहुत ही टेस्टी सा होता है। आप वीडियो को देखें, अच्छे से पूरा स्किप ना करें। ये देखिए, सारे बेसन को अच्छे से एक बड़े से कटोरी में निकाल लेंगे। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिनको ढोकला बनाने में ईजी हो, जो चाहते हैं कि ढोकला बनाए। अब हम लोग दही वाले पानी से ही इसको अच्छे से घोलेंगे। हमको ढोकला घोलने के लिए दोस्तों एक गिलास पानी लगा है, एक कटोरी मैं बेसन ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। दही ज़्यादा खट्टा हो तो कम ही लें, अगर कोशिश करें कि ज़्यादा खट्टा दही यूज़ ना करें। ये देखिए दोस्तों, यह डाल दिया मैंने, ये हल्दी और थोड़ा सा नमक। नमक हमेशा कम रखें। देखिए, एक गिलास पानी हमारा लग गया है इस बैटर को घोलने के लिए। हमेशा याद रखें कि एक ही मोशन में चम्मच को घुमाएंगे आप। कांटे वाले चम्मच का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप ये चम्मच से भी बना सकते हैं। एक ही मोशन में इसको घुमाना है दोस्तों, बार बार इधर उधर नहीं, एक मोशन में ही इसको तरीके से फेंटते रहना है। अच्छे से इसको फेंटेंगे एक ही मोशन में। फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये बेसन जो है बिल्कुल हल्का वाइट जैसा हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप सरसों का तेल ही यूज़ करें फ्रेंड, सरसों के तेल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा फ्लेवर आता है। आप सरसों का तेल ही डालिएगा, कोई और वेजिटेबल ऑयल मत डालिएगा। इसको आप फिर से थोड़ा सा फेंटेंगे ताकि तेल हमारा बिल्कुल लग जाए, सब में सारे बेसन में घुल जाए। ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से हमारा घोल रेडी हो गया है। अब इसको साइड कर देंगे। अब हम लोग एक टिन ले लेंगे, जिसमें हम लोग केक का टिन, जो केक बेक करते हैं वही वाला टिन है, इसको ग्रीस कर लेंगे ढोकला सेट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया है। ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब हम लोग एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में दो ग्लास पानी डाल देंगे। इस ग्लास का यूज़ कर रही हूँ, इससे दो ग्लास हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। फ्रेंड, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप इस तरीके से ही बनाएंगे ढोकले को, तो आपका ढोकला 200% बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा। ये देखिए, मैंने डाल दिया है इसमें एक स्टैंड और एक बर्तन डाल दिया है, इसको ढक दिया है। ढक्कन ऐसा ले जो पूरा सेट हो जाए अच्छे से। लीड अगर है नॉनस्टिक में, लीड रहता है तो आप लीड से ही ढक सकते हैं, उसके लीड के जो होल को कवर कर दें। ये देखिए, मैं डाल दी उसमें एक चम्मच के करीब, एक चम्मच से थोड़ा सा कम इनो डाला है मैंने, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। अब इसको भी अच्छे से थोड़ा फेंटेंगे, जोर जोर हाथ से इसको नहीं फेंटना है, बिल्कुल हल्के हाथ से सारे इनो को बेसन के घोल में अच्छे से मिक्स कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए, अब क्या करना है, जल्दी से इसको बेकिंग करने वाले ट्रे में डाल देंगे। इनो डाल के कभी छोड़े ना फ्रेंड, वरना वो ढोकले का बैटर बैठ जाएगा और कभी भी ढोकला या केक कुछ भी बना रहे हैं तो वो फूलेगा नहीं। इनो डालने के बाद तुरंत बेक करने के लिए इसको आप लगा दें। ये देखिए, मैं आज इसको स्टीम कर रही हूँ ढोकले को। ढोकले को स्टीम ही किया जाता है फ्रेंड। ये देखिए, हल्का सा इसको टैप कर देंगे ताकि इसका बबल्स, एयर बबल्स निकल जाए। चलिए, इसको अब हम लोग बेक करने के लिए, सॉरी स्टीम करने के लिए चढ़ा देते हैं। देखिए, हमारा पानी बिल्कुल खौल गया है। जब पानी खौल जाए तभी इनो मिलाएं और इसको सेट करें। इसको अब हम लोग ढक देंगे 15 मिनट के लिए धीमे आँच पर, मीडियम टू लो रखेंगे हीट को, और इसको
15 मिनट के लिए हम लोग इसको ढक देंगे अच्छे से 15 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों 15 मिनट बाद हमारा ढोकला बिल्कुल बेक हो चुका है और ये साइड साइड छोड़ रहा है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद ही छोड़ना है फ्रेंड, वरना ढोकला जल जाएगा। इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये रहा, मैंने निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा और स्पॉन्जी हमारा ढोकला रेडी होके गया है। देखिए बिल्कुल डबल हो गया है। अब इसमें हम लोग छौंक लगाएंगे। यहाँ डाल दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे हम लोग सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब डाल देंगे हम लोग राई। राई को अच्छे से परखने देंगे, राई परख जाएगा दोस्तों तभी इसमें हम लोग करी पत्ता और हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च। ये देखिए करी पत्ता और हरी मिर्च हमारा जो है रेडी हो गया है। अब डाल देंगे साथ में चीनी। इसी के साथ हम लोग पानी डाल देंगे, थोड़ा सा 4 चम्मच के करीब मैं इसमें पानी डाल दिया है। चीनी को भूलने तक हम लोग वेट करेंगे, तो ऐसे चलाते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके से छौंक लगाएं ज़रूर, आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारे छौंक को ढोकले पे अच्छे से फैला देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारे ढोकले पर इसको डाल देंगे। ये देखिए इससे हमारा ढोकला और ज़्यादा स्पॉन्जी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, इसलिए छौंक लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ये देखिए इस तरीके से सारे ढोकले पे फैला दें। देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल अच्छे से ये रस को पी लिया है। अब हम लोग इसको काट करके दिखाते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है हमारा ढोकला, और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। आप देख रहे हैं डबल ट्रिपल हो गया है ये फूल के ढोकला। आइए मैं इसको सर्व करती हूँ। लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म रेडी है ढोकला। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।